आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजनीति ब्लॉग में। दोस्तों, एक रामनगर में घटना घटित हो जाती है दिनांक 14 नवंबर 2023 को। हुआ ऐसा था दोस्तों कि एक लेडीज होती है जिसका नाम अनीता देवी होता है, वह अपने घर के पास एक दीवार पर बैठी हुई होती हैं, तो दूसरी तरफ से एक आवारा सांड आता है। और जैसे ही वो आवारा सांड अनीता देवी के पास आता है तो वह सांड अनीता देवी के पेट में सींग अचका देता है, जिसके कारण अनीता देवी लहूलुहान हो जाती हैं और बेहोश होकर उसी स्थान पर गिर पड़ती हैं। अनीता देवी के गिर जाने से घर के लोगों को पता चलता है तो घर में चीख पुकार जैसा माहौल पैदा हो जाता है। चीख पुकार सुनने से आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आनन फानन में अनीता देवी को आगरा के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहाँ दो हॉस्पिटलों से उसे बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में उपचार कराइए। तो एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम GR होता है और वो हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी का हॉस्पिटल था, तो उस पीड़ित महिला का वहाँ पर उपचार चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? ललित शर्मा। क्या कहना चाहेंगे इंसानों के बारे में आप? हम ये कहना चाहेंगे, मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना है कि इन आवारा पशुओं का यहाँ से गाँव से पलायन करके गौशाला में पहुंचाने का प्रावधान करें। वो सेक्रेटरी जी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, रामविलास जी और मेवली कला के जो ग्राम पंचायत मेवली कला के जो प्रधान हैं मुकेश कुमार, उनको ये कार्य सौंपा जाए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिससे कि हम लोगों को जो आत्मघाती हमला कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और किसान अपनी फसल की किसान अपनी फसल के नुकसान को तो झेलता आया है, लेकिन इस तरीके से ये लोगों के ऊपर आत्मघाती हमले करेंगे तो किस तरीके से झेला जाएगा। अब जो व्यक्ति जिसकी वाइफ के ये इस सांड ने आवारा ने और जो चोट पहुंचाई है, तो वो वाकई में दर्दनाक है। उसका पेट काफ़ी फाड़ दिया गया है, जिसमें 50 टांके आए हुए हैं और अभी भी वो 14 तारीख की ये घटना थी, अभी भी GR हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी इस घटना के ऊपर विशेष तरह से ध्यान दें और इनका कुछ समाधान निकालें। जो गौशालाएँ आपने बनवाई हैं तो वहाँ पे इन सांडों को, आवारा पशुओं को पहुँचाने का कार्य करें, क्योंकि किसी और व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया गया तो और दिक्कत होगी। और ये जो व्यक्ति है ये बड़ा गरीब परिवार से है, ये इलाज कराने में भी असमर्थ है। इसमें बेचारे ने अपनी बाइक को 10,000 रुपये में गिरवी रखा है जब जा कर के ये हॉस्पिटल पहुँचा, लेकिन आप बताइए 10,000 रुपये की आजकल के समय में क्या वैल्यू है, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। तो 10,000 रुपये तो उसके बेचारे के उसी में आने जाने में ही आगरा यहाँ से वहाँ रेफर किया, पहले शांति मांगलिक हॉस्पिटल में लेके गया ये, तो वहाँ से उनने मना कर दिया, तो फिर ये उपाध्याय में गया, फिर वहाँ से ही मना कर दिया, तो GR में पहुँचा। तो ये इसका रेंट में ही, किराए भाड़े में ही सारा पैसा खर्च हो गया। अब बेचारा इलाज के लिए बहुत असहाय है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर कर के इलाज चल रहा है, बोल रखा है कि कहीं ना कहीं से हम पैसा एकत्रित करके किसी से लेके कर्जा और आएंगे, जब इसका इलाज कराएंगे आप डॉक्टर साहब इलाज करा कीजिए, इलाज में आप कैसी लापरवाही ना बरतें। तो इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र जी हैं जिनका हॉस्पिटल है GR। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। आप अभी बता रहे थे सर के ऐसे गौशाला में जाते हैं तो पैसे लिए जाते हैं, क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 1100 रुपया मांगते हैं, कोई पशु लेके जाए वहाँ तो जो कहते हैं कि 1100 रुपए दो नहीं ले जाओ वापस से। आप गए थे वहाँ पर? हाँ हम गए थे। कब गए थे? अरे हम पहले एक 2 महीने पहले गए थे। अच्छा, एक बड़े भाई गए थे वो लेकर 11। तो अभी इनका कहना है कि गौशाला में गए थे तो इनसे पैसों का कुछ
लेन देन यानी कि पैसा देंगे जब भी आप जो सांड या गाय होती है उनको हम अंदर करेंगे अंदर नहीं करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। अतः मेरे योगी जी से निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो आवारा जो सांड या पशु जो खुले में घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जाए। और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, क्योंकि ऐसे आवारा सांड आपके घर के आसपास भी घूम रहे होंगे, इनसे ऐसा होगा कि आपके घर के जो माँ बहन बेटी बच्चे हैं उनको भी आत्मघाती हमला हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज को इतना बुलंद कीजिए मोदी और योगी जी तक ये मेरी आवाज पहुंच जाए। और जो पीड़ित महिला है अनिता देवी, उसका देवर मेरे पास अभी खड़ा हुआ है तो मैं उससे कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो लेडीज होती है पीड़ित महिला, उसका देवर है। और आपको पता है कैसे घटना हुई थी और किस तरीके से सांड ने तुम्हारी जो भाभी उनको चोट पहुंचाई थी? मतलब वो घर के पास ही गली है, खरंजा है घर के सामने, तो वहाँ गेट से निकल रही थी वो और सांड आ रहा था तो वो गुट भी खड़ी हो गई। घर बच्चों ने मना किया कि सांड निकल के जा रहा है तुम वहीं खड़ी हो जाओ, तो सांड मुड़कर उनके पास द्वारा से आ गया, उन्होंने सांड ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उनके चोट आ गई। दोस्तों मैं अपील करता हूँ, ये जो पीड़ित महिला उसका देवर है मगर उसका पति तो अभी इस समय हॉस्पिटल में उसके साथ है, तो मैं मोदी जी और तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति है धनीराम अनिता देवी जो हॉस्पिटल में भर्ती है रेफर है, तो कुछ इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, डोनेशन करें 10-20-50 जो हो सके वो इनको आर्थिक सहायता दी जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बैरीराम है उसके जो पत्नी है धर्मपत्नी अनिता देवी उसके उपचार में कुछ इलाज के लिए कुछ पैसे मिल सके। आप देख सकते हैं आप ये बैरीराम का ये घर है, थोड़ा कैमरामैन अंदर आइए, आप देख सकते हैं ये उसका घर है जो व्यक्त बैरीराम होता है जिसकी पीड़ित महिला अनिता देवी धर्मपत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है। बेचारे के गेट पर आप देख सकते हैं घर के सामने गेट भी नहीं लगा है खुला, इतना गरीब व्यक्त था, उसके पास रोज लाता था रोज खाता था, इतना गरीब बंदा था। और ये इनकी माता जी है, ये इनकी माता जी है, क्या नाम है आपका? ये चंद्रवती है। आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जो पुत्र वधु होती है उनके साथ क्या घटना हुई थी यहाँ पर? बुलाने ने मार दी। किस तरीके से? वो आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर बैठी थी तो सांड इधर से आ रहा था। तो आप योगी और मोदी जी से कुछ गुहार लगाएंगे कि मेरा बेटा गरीब है, बच्चा गरीब है, इलाज के लिए? कहेंगे नहीं, और क्या? क्या कहना चाहेंगे मोदी और योगी से आप? जी कहेंगे गरीब है उसको साथ। दोस्तों ये पीड़ित महिला की सास है और इनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं इनके चेहरे पर कितना दुख का माहौल है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अतः मेरी सभी देशवासियों से यही अपील है कि आपसे बन सके 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये आप इन्हें डोनेशन करें ताकि इनकी जो पीड़ित बहू है उसका इलाज हो सके। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही और फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के कंटेंट के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।